भुवनेश्वर में पार्टी कार्यालय में, और उसमें हमारे उड़ीसा प्रदेश के किसान मोर्चा के जितने प्रदेश पदाधिकारी हैं, कार्य समिति के मेंबर हैं, विशेष सदस्य हैं और जिलों के अध्यक्ष, ऐसे करके एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज किसान मोर्चा की उड़ीसा प्रदेश की है। इसमें संगठन को मजबूती को लेकर और किसानों के लिए उनके हक और अधिकार के लिए, उनको उनका हक मिले, किसानों को उनका अधिकार मिले, और जो भी किसानों के साथ स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा अनेक प्रकार के जो अन्याय वगैरह किए जा रहे हैं, उसमें हमारे किसान मोर्चा के लीडर्स ने महेश्वर साहू जी के नेतृत्व में आंदोलन भी यहाँ किया है, तो एक संगठन के साथ बातचीत करके भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत हो उड़ीसा में, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से उड़ीसा से जीत के जाएं, इसके लिए आज किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता संकल्प के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। सेंट्रल की गवर्नमेंट तो 2183 रुपये धान की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, लेकिन उड़ीसा की जो सरकार है पटनायक जी की, वो किसानों के लिए न तो बारदाने देती है, न खरीद केंद्र खोलती है, खुले में किसान का धान पड़ा रहता है और मजबूरी में किसान को 1200, 1300, 1400 तक बाज़ार में बेचना पड़ता है धान को। तो इस पर सब पे बात करेंगे और केंद्र की सरकार को इसके लिए अवगत कराएंगे कि इस तरह से किसानों के साथ अन्याय उड़ीसा में हो रहा है।